हाई कोर्ट ने 11 सितंबर को एक निर्णय लिया कि सरकार जो आरक्षण के मुद्दे हाई कोर्ट में गए थे इस पर पुनर्विचार करने का निर्णय जब 11 सितंबर को हाईकोर्ट में ये निर्णय हुआ, 12 सितंबर को निदेशक पंचायत राज द्वारा इस पर सुनवाई की गई और सुनवाई करने के बाद 13 तारीख को जो परिवर्तन आरक्षण में किए गए उसकी सूची राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गई। 13 सितंबर को ही प्रदेश के अंदर आदर्श आचार संहिता लागू हो अधिसूचना 13 तारीख को जो है अधिसूचना जो है पंचायत चुनाव प्रदेश के अंदर जारी हो। बड़े आश्चर्यजनक बात, जब अधिसूचना जारी हो जाती है, अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती, सारी चीजें चुनाव के जो आयुक्त हैं उनके हाथों में चले जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि सरकार ने कैबिनेट की बैठक करनी थी, उस बैठक को इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ आदर्श आचार संहिता लगी करके सरकार पंचायत चुनाव को एन केन प्रकरण जीतना चाहती है और अधिकारियों पर दबाव बना करके 16 सितंबर को आरक्षण में परिवर्तन किया जाता है जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लंघन करने का काम इसे सरकार ने किया है। और हम कहना चाहते हैं, मैंने आपको पत्र भी दिया, अगर आप उसमें देखेंगे 12, क्योंकि जब हम कल चुनाव आयोग में गए तो चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा कि 13 तारीख को जो सूची मिली है वो तो तब तक जो है क्या नाम अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, लेकिन 16 तारीख को जो है क्या नाम जो आरक्षण में परिवर्तन हुआ है उस समय तक जो है अधिसूचना जारी हो गई थी। और उन्होंने भी बात को कहा कि हम शासन को इस परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखे शब्दों में निंदा भी करती है और साथ ही साथ हम इस प्रकरण में विधिक राय लेने का काम करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो हम इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय में भी जाने का काम करेंगे। देश में कि उन्होंने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का, हर संवैधानिक संस्था पे कब्जा करने का, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को छोड़ के खरीद फरोख्त की राजनीति को इस देश में चलाने का, जो इस हमारे प्रति और लोकतंत्र की जुड़ी हुई संस्थाओं के प्रति जो उनकी नीति है जबरदस्ती कब्जा करने की, उन संस्थाओं को अपमानित करने, अधिकारों से वंचित करने की।